हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीबी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है, मैं आपसे बात करूंगा जिस बारे में, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में जाने से पहले सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये प्रॉब्लम्स अराइज क्यों हो चाहिए। बेसिकली इन प्रॉब्लम्स का अराइज होने का रीजन है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे कि ये तीनों के तीनों जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स तीन होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में आपसे बात करता हूं मैं, विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको पता है हर इकोनॉमी फेस करती है, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड इकोनॉमी हो। ठीक है, हर इकोनॉमी के सामने ये वाली प्रॉब्लम अराइज होती है। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो अराइज होती है, उसके अंदर इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने हैं तो कौन सा बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इकोनॉमी के लिए कि सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज वो लगातार प्रोड्यूस करते जाए और इंक्रीजिंग क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, अब सब की सब तो आप इकट्ठा बना नहीं सकते। इसलिए से फॉर एग्जांपल आपको शुगर की प्रोडक्शन करनी पड़ती है, तो माइट भी अगर आपको शुगर की प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है तो उसके लिए आपको टी की प्रोडक्शन कम करनी ही पड़ेगी। उसके बिना आप दोनों की प्रोडक्शन को इकट्ठा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगेन द रीजन इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, साइड बाय साइड व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड करने के बाद अब इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि यार क्वांटिटी कितनी बनानी है गुड्स एंड सर्विसेज की। व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड कर लिया, फिर उसमें उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड कर ली, तो अल्टीमेटली इस वाली प्रॉब्लम के अंदर इकोनॉमी दो चीजों पर बात करती है कि कितनी क्वांटिटी बनानी है और कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। अब इसमें कैटेगराइजेशन की आप बात करें तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, जैसे कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, वॉर टाइम गुड्स होते हैं, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इकोनॉमी को ये सब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है। चलिए अब सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हम लोगों ने बात करनी है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। दो तरह की टेक्निक होती है, देखिए एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जहां पर लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जहां पर हम कैपिटल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब इकोनॉमी को ये कैसे डिसाइड करना है कि कैपिटल इंटेंसिव यूज करनी है या लेबर इंटेंसिव यूज करनी है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर लेबर बहुत है बट हमारे यहाँ पर कैपिटल की प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी को लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए, विच विल ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। जबकि अगर यूएसए की बात करूं मैं, वहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा है, तो उस वाली इकोनॉमी को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यहां पर भी आप देखोगे तो स्केर्सिटी वाली प्रॉब्लम यहां पर भी काम कर रही है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर आपने ये डिसाइड करना है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनेंगे इकोनॉमी के अंदर वो किसके लिए बनाए जाएंगे, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, या मिडिल क्लास कैटेगरी वाले लोगों के लिए। तो इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम आती है कि यार इतने सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कौन सी कैटेगरी ऑफ गुड्स, कौन सी कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए बनाए जाए। अब ये चीज पता है आपको कैसे डिसाइड होती है, ये चीज डिसाइड होती है पेइंग कैपेसिटी के ऊपर कि कौन से लोग कितनी पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। अच्छा, अगली बात आती है कि पेइंग कैपेसिटी कैसे फिक्सअप होती है। अब पेइंग कैपेसिटी जो डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है लोगों की इनकम के ऊपर, ऑफ कोर्स इनके ऊपर डिसाइड होगी। ठीक है, अब इनकम कैसे डिसाइड होती है कि किसको कितनी इनकम मिलती है। अब इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, उनके लिए जो सर्विसेज रेंडर करते हैं उसके अगेंस्ट में उन्हें कितना पैसा मिलता है, यानी कि रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। तो अगर इकोनॉमी को यह पता लग जाए कि इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कितना रिवॉर्ड मिलता है उसकी सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये डिसाइड करना कि किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाने चाहिए और किसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बनाना चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमी ने फोकस किया कि हम अमीरों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो गरीब रह जाएंगे, उनको वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिलेंगे। तो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है इस चीज को डिसाइड करने में भी कि गुड्स एंड सर्विसेज हमें गरीबों के लिए बनाने हैं, अमीरों के लिए बनाने हैं, या फिर मिडिल क्लास वाली कैटेगरी के लिए बनाने हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स मैंने आज आपके साथ डिस्कस कर ली है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीबी क्लासेस। थैंक यू।